Longowal, President SGPC, and other dignitaries welcoming the Prime Minister. We can also see Captain Amarinder Singh, Chief Minister Punjab, Prime Minister had shared that it is believed that the famous saint of Assam, Shankar Dev, was also influenced by Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak also traveled to the holy land of Haridwar. There is a sacred place in Varanasi, Guru Bagh Gurudwara. It is believed that Guru Nanak Dev Ji stayed there as well. As the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi and other dignitaries now enter the Gurudwara main premises and offer their obeisance. While visiting Bidar in Karnataka, Guru Nanak Dev Ji had solved the prevailing water crisis there. पर्यावरण की महत्ता पर बल देते हुए गुरु नानक देव जी ने पवन को गुरु, पानी पिता और धरती को माता का दर्जा दिया था। और ये मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। कैसे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी को पंगत में बैठकर गुरु का लंगर सेवा भाव से शुरू करने की परंपरा को बल दिया। लंगर में जब सब बराबरी से बैठते हैं तो उससे एकता और समानता का भाव बनता है। गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन और उपदेशों की गूंज सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक शहर में महसूस की जा सकती है। राज चुड़ी
और ये है बेरी का पेड़। आज भी बेरी के पेड़ में फल लगता है, ये हरा भरा है और इस पेड़ का इतिहास भी 550 साल पुराना है। जब गुरु नानक जी सुल्तानपुर लोधी में 14 साल से भी ज्यादा रहे, तब वो बेरी पेड़ के सानिध्य में ध्यान करते थे और आज बहुत से श्रद्धालु इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और ठीक उसके पीछे सरोवर है जहां पर पवित्र स्नान भी करते हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नवंबर 2019 विशेष तारीख रहेगी जिस दिन गुरुपूरब है और आज 9 नवंबर भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आगे के कार्यक्रमों में यहां से माननीय प्रधानमंत्री डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब जाएंगे। एट डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब The Honorable Prime Minister will inaugurate Passenger Terminal Building, Kartarpur Sahib Corridor, and flag off the first Jatha at the Integrated Checkpost. It will be a special occasion for devotees, as their cherished dream for last 7 decades stands fulfilled today. When that inauguration will happen. No visa will then be required to travel to Darbar Sahib, Kartarpur. Guru Nanak Dev Ji ke 550वें Prakash Parv se sambandhit देश भर में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, हेरिटेज वॉक्स के माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। आज के समय में भी गुरु साहिब की महान एवं विश्वव्यापी शिक्षाएं, उनकी आवश्यकता, उनकी सार्थकता हम अनुभव कर सकते हैं। तीन आरंभिक सिद्धांत जो गुरुजी ने विश्व को दिए, किरत करो, वंड छको, तिन्नाम जपो, इसे हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब
गुरुद्वारा श्री बेर साहिब से प्रस्थान करते हुए। इस उम्मीद के साथ कि हम गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन और उपदेशों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे एक बार फिर से।